शादी कीजिए, तालीम भी हासिल कीजिए, किसने रोका? ये बात को समझने की ज़रूरत है। और इसके ताल्लुक से मौलाना आशिक इलाही बुलंद शहरी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं उनकी बात को रखता हूँ आपके सामने। वो कहते थे, डिग्रियाँ लेने से नफ्स अमारा तो नहीं मर जाता। डिग्रियाँ लेने से बुरी नफ्स जो है वो तो ख़त्म नहीं हो जाती ना, कि मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरी नफ्स दब गई, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ मेरी नफ्स और दबी, मैं डॉक्टरेट हुआ तो मेरी नफ्स पूरी ख़त्म हो गई, नहीं होता। नफ्स अमारा तो वो कहते ख़त्म नहीं होती है, मर नहीं जाती। शरई निकाह नहीं होता और फिल्में देख देख कर ख्वाहिशात उभरती रहती हैं और गैर शादीशुदा औरतें माएँ बन जाती हैं, बेबाप की औलाद सड़कों पर पड़ी मिलती है। इस गुनाह का वबाल करने वालों पर तो है ही, माँ बाप भी इस गुनाह में शरीक होते हैं, क्योंकि वो नौजवान लड़के लड़कियों की शादी मुअख्खर देर से करते हैं। दुनियावी तालीम का अलमिया ये भी है कि आला डिग्रियां हासिल करने के बावजूद अक्सरियत दीन की तालीम से जाहिल रहती है, इन्हें अपने हाथ और जिस्म पाक करने का भी दुरुस्त इल्म और तरीक़ा नहीं आता। कौन से एजुकेशन की बात कर रहे थे आप, इसके लिए निकाह ताखिर किया? आप गेन कीजिए, मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मैं बोलना ही चाह रहा हूँ निकाह इसके लिए अपनी मुअख्खर मत कीजिए, लेट मत कीजिए, ठीक है। दूसरी वजह,